नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार में इन दिनों कोविड 19 की मार लोग झेल रहे हैं। अगर कोविड 19 पॉजिटिव की बात करें तो बिहार में 6000 को पार कर चुका है और मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 6098। मरने वाले की बात करें तो हो जाती है 35। 3000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बिहार की हालत बद से बदतर है गर्मी के कारण। गर्मी बिहार में अत्यधिक है, लोगों का हालत खराब है। मानसून आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, लेकिन तत्काल लोगों का हालत एक ओर कोरोना के कारण खराब है, दूसरी ओर गर्मी के कारण खराब है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता मुझे एक और मौका देगी तो मैं इस बार हर किसान के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करूंगा। बिहार में तेजस्वी यादव के एक भाई तरुण यादव के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ था, जिस विवाद को मीसा भारती ने समाप्त किया और उन्होंने स्पष्ट किया मीसा भारती ने कि तरुण यादव तेजस्वी यादव का ही नाम है। घर में तरुण यादव तेजस्वी को ही कहा जाता है। कटिहार व्यवहार न्यायालय के ADJ 6 के बॉडीगार्ड विकास कुमार ने अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से स्वयं की गोली मार लिया कनपट्टी में लगाकर। हल्ला होने पर पुलिस बल वहां पहुंची और उसे पोस्टमार्टम में ले गया, लेकिन प्रथम दृष्टया बताया जाता है कि उसने आत्महत्या किया। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विश्वविद्यालय में नामांकन ऑनलाइन कराने की बात कही गई। फागु चौहान राज्यपाल ने आदेश किया कि ऑनलाइन नामांकन अब विश्वविद्यालय में की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल कॉलेज आदि खोलने की बात अभी नहीं की जाएगी, चूंकि कोरोना की वृद्धि हो रही है। जुलाई के अंत में ही प्रयास किया जाएगा कि कब स्कूल वगैरह खोला जाए, कोचिंग संस्थान खोला जाए। वहीं कोसी नदी पर पुल बनने के लिए टेंडर कर दी गई है। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है, चारों ओर कोरोना पीड़ितों की वृद्धि हो रही है। कटिहार में कल 11 मरीज बढ़ गए। बिहार के कोने कोने में मरीजों की वृद्धि हो रही है। व्यापारी व्यापार कर रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं पहुंचने से लोग परेशान हैं। बसों के परिचालन के लिए आदेश पारित किया गया है लेकिन बसें ढंग से नहीं चल रही है। लोगों का शिकायत है कि बस परिचालन में भी दिक्कत हो रहा है। उधर 6 DSP जिन्हें अपने पद पर ज्वाइन करना था, 6 DSP गायब हैं, जिसे सरकार ने नोटिस किया है। 26 जुलाई से संविदा कर्मी कर्मचारी और पदाधिकारी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, बिहार सरकार द्वारा आदेश पारित किया गया है। चूंकि 11 महीने के लिए बढ़ाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को संविदा कर्मी कर्मचारी और पदाधिकारी को मुक्त कर देने की बात कही गई है। बिहार में जदयू भी भाजपा के तरह वर्चुअल रैली करने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने पिता के जन्मदिन को मनाया और तेजस्वी यादव को पिता ने कहा कि कच्चे ओण में जिस तरह कर्तव्य का निर्वाह तेजस्वी कर रहे हैं उसी तरह आगे भी बढ़ते रहें। बिहार के आम लोगों ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन मनाया और लालू प्रसाद यादव ने चिट्ठी जारी किया था कार्यकर्ताओं के लिए। लोगों में खुशी देखी गई और लालू प्रसाद ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मुझे आम जनता के सहयोग ही ताकत बनी रहती है। तरह तरह की बातें बिहार में हो रही है, चुनाव की तैयारी है। चुनाव आयोग ने भी EVM मंगाने की बात कह दी है। हर जिले में जिला पदाधिकारी चुनाव कराने के लिए अभी से ही लग गए हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं और देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।